हाय गाइस, मैं हूं अनुष्का एंड वेलकम बैक टू फन विद कुकिंग। आज हम हमारी रेसिपी में बनाने जा रहे हैं फायरलेस पापड़ी चाट। आप देखने में ही देख सकते हैं कि ये एकदम ठेले वाले पापड़ी चाट जैसा लग रहा है और इसका टेस्ट भी एकदम वैसा ही लगता है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को हमें कैसे बनाना है। तो गाइस, फायरलेस पापड़ी चाट बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कुछ पापड़ी, ड्राई सेवरी बूंदी, उसके बाद आपको चाहिए दही, कटे हुए प्याज, मीठी चटनी, जलजीरे का पानी, धनिया और पुदीना और काला नमक, लाल मिर्च, और यहाँ पे हमने सेव, भुजिया, मूंग दाल और खट्टा मीठा मिक्सचर, उन सबको मिला के एक बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेपरेट बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे हमारी बूंदी, उसमें हम डालेंगे हमारा दही। यहाँ पे हमने हैंकर्ड यूज़ किया है, आप नॉर्मल दही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे हमारा अनियन, अनियन डालने के बाद हम उसमें डालेंगे हमारा धनिया, धनिया डालने के बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार हमारा नमक, हमने यहाँ पे काला नमक यूज़ किया है। उसके बाद हम डालेंगे हमारी लाल मिर्च। ये सब कुछ डाल के हमें एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है। यहाँ पे हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। बूंदी ने थोड़ी सी दही सोख कर ली है, ये थोड़ा सा भी सौगी हो गया है। अभी हम पापड़ी के ऊपर ये बूंदी का मिक्सचर हम डालेंगे। हर एक पापड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे और ऐसे ही करके सभी पापड़ी को रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर डालेंगे हमारी जो मीठी वाली चटनी है, ये हम सभी पापड़ी के ऊपर डाल के तैयार कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम डालेंगे उसमें हमारा जलजीरे का पानी भी। जलजीरे का पानी डाल लेने के बाद हम उसमें डालेंगे हमारा जो सेव का मिक्सचर बना था, हमने जो सेव मूंग दाल बना के जो मिलाया था। उसके बाद हम फिर उसके ऊपर और थोड़ी सी मीठी वाली चटनी डालेंगे फॉर गार्निशिंग। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा फायरलेस पापड़ी चाट बनके तैयार हो चुका है। एकदम ठेले जैसा इसका टेस्ट है, बनाने में भी इजी है और हमें फायर की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आज के रेसिपी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय।